गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकेंड चैप्टर ऑफ द रीडर बुक द बिली गोट एंड द किंग. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. वंस देयर लिव्ड अ सर्टेन किंग हु अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ ऑल बर्ड्स एंड बीस्ट एंड इंसेक्ट. एक बार एक राजा सारे ही जानवरों की और कुछ बर्ड्स की, चिड़ियाओं और कीड़े मकोड़ों की लैंग्वेज, भाषा जानता था. यानी एक ऐसा राजा था कि जो पशु पक्षियों की सबकी भाषा जानता था. दिस नॉलेज वॉज रादर अ ट्रबलसम गिफ्ट. ये नॉलेज, जानकारी उसके लिए कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, मुश्किल में पड़ जाता था इसकी वजह से. फॉर ही न्यू दैट इफ ही वर एवर टू रिवील एनी थिंग. ही न्यू, उसने जाना कि अगर वो कभी कुछ छुपाना चाहे. ही हैड दस लर्नड ही वुड टर्न इन टू अ स्टोन. अगर उसने कुछ छुपाया तो वो एक पत्थर बन जाएगा, ऐसा भी था. हाउ ही मैनेज टू अवॉइड डूइंग सो लॉन्ग बिफोर दिस स्टोरी ओपन्स आई कैन नॉट से. यानी उस स्टोरी में वो किस तरह से छुपाता है, क्या करता है, वो कैसे रिवील ओपन करता है, आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ. बट ही हैड सेफली ग्रोन अप टू मैनहुड. यानी वो सेफली, अच्छे तरीके से मैनहुड इन बड़ा हो जाता है, मैरिड, शादी भी हो जाती है उसकी. एंड वॉज एज हैप्पी एज मोनार्क जनरली आर. और ऐसा उसके पास नॉलेज थी और एक कर्स भी था कि अगर छुपाया उसने तो वो स्टोन बन जाएगा. इसके बाद भी वो बड़ा भी होता है, मैरिज होती है और उसके बाद एक राजा भी, मोनार्क मीन्स किंग भी, नॉर्मल किंग बन के रहता है. नेक्स्ट. द पीपल इन द एंशियंट टाइम्स एट फूड इन अ ट्रेडिशनल मैनर. पुराने टाइम पर आदमी जो है कैसे खाना खाते थे, ये नहीं टेबल चेयर पे इस तरह से लगा के नहीं खाते थे, एक तरीके से ट्रेडिशनल पुराने तरीके से खाते थे. वो भी कैसे कि जैसे अपना नीचे ज़मीन में बैठ के अच्छे से खाना खाते थे. इन इट अ पर्सन ईट्स हिज फूड इन अ नाइस लिटिल प्लेस ऑन द ग्राउंड. यानी एक जगह पर अच्छे से ज़मीन पर बैठ के सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, फ्रेशली प्लास्टर्ड विद मड एंड सिट्स इन द मिडिल ऑफ इट. यानी ज़मीन पर बैठ के, प्लास्टर्ड मड और जो कच्ची ज़मीन है वहाँ पर, और सही मैनर से चारों तरफ अपना एक तरीके से, जैसे पुराने देखा होगा आपने, सुना भी होगा, उस तरह से पुराने टाइम की तरीके से ही खाते थे. वेल, क्योंकि ऐसा नहीं था कि राजा है तो वो कहीं भी खा ले, एक मैनर होता था. वेल, वन डे द किंग वॉज ईटिंग हिज डिनर एट इन अ ट्रेडिशनल वे सिटिंग ऑन द फ्लोर. एक दिन अचानक से राजा जो है ट्रेडिशनल वे में जैसे खाता था, ज़मीन पर बैठ के वैसे ही अपना खाना खा रहा था. नेक्स्ट. इन हिज एंड हिज वाइफ वॉज सिटिंग अपोजिट टू वेट. और उसकी वाइफ जो है उसकी अपोजिट साइड में बैठी हुई, वेट अपॉन हिम एंड टू कीप हिम कंपनी. उसकी वाइफ भी उसके अपोजिट साइड में बैठी हुई थी उसको कंपनी देने के लिए, यानी उसके पास ही बैठी थी कि राजा खाना खा रहा था. एज ही एट ही ड्रॉप्ड सम ग्रेन्स ऑफ राइस अपॉन द ग्राउंड. जैसे वो खाता है तो कुछ जो चावल के जो दाने हैं, कुछ थोड़े से ग्रेन्स उसमें से, खाने में से, ज़मीन पर गिर जाते हैं. एंड लिटिल ए लिटिल आंट, और एक छोटी सी चींटी आती है, हु वॉज रनिंग अबाउट सीकिंग अ लिविंग, जो खाना ढूंढ रही होती है इधर उधर, साइज अपॉन वन ऑफ द ग्रेन्स एंड बोर इट ऑफ टुवर्ड्स हिज होल. उसमें से एक दाना उठाती है चावल का और अपने होल की तरफ, जहाँ पर वो चींटी छेद में रहती हैं, वहाँ पर ले जाती है. जस्ट आउटसाइड द किंग सर्कल, किंग ने जो सर्कल बना रखा था जहाँ पर अपना खाना रख रखा था, उसके बाहर ले जाती है खाने को. दिस आंट मेट अनोदर आंट, और ये चींटी दूसरी चींटी से मिलती है. एंड द किंग हर्ड द सेकेंड वन से, और राजा जो है उस दूसरी चींटी की बात कहते हुए सुन लेता है, क्योंकि वो तो सारे एनिमल्स की, बर्ड्स की और इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों की भाषा समझ सकता था. ओ डियर फ्रेंड, वो क्या कहती है चींटी सेकेंड, ओ डियर फ्रेंड डू गिव मी दैट ग्रेन ऑफ राइस, कि ये खाना मुझे दे दो. एंड गेट अनोदर फॉर योर सेल्फ, और तुम अपने लिए दूसरा चावल का दाना लेके आ जाओ. यू सी माई बूट्स आर सो डर्टी, तुम देख सकती हो कि मेरे बूट्स जो हैं, जूते जो हैं, वो बहुत गंदे हैं. दैट इफ़ आई वर टू गो अपॉन द किंग्स ईटिंग प्लेस, अगर मैं राजा को जहाँ खाना खा रहे हैं वहाँ पर जाऊँगी, आई शुड डिफाइल इट, तो मेरे जूतों की वजह से उनकी जो खाना खाने की जगह है वो गंदी हो जाएगी.
एंड आई ईट कांट डू दैट, और मैं ये करना नहीं चाहती हूँ कि जहाँ पर राजा खाना खा रहे हैं मैं वहाँ गंदगी नहीं करना चाहती हूँ। इट वुड बी सो वेरी रूड, ये बहुत गलत होगा कि जहाँ कोई खाना खा रहा है कि मैं वहाँ गंदा नहीं करना चाहती हूँ। नेक्स्ट, बट द आंट विद द ग्रेन ऑफ राइस ओनली रिप्लाइड, बट द आंट विद, जो लेकिन जो चीटी एक दाना ले गई थी वो क्या रिप्लाई करती है, विद द ग्रेन ऑफ राइस ओनली रिप्लाइड, वो क्या रिप्लाई देती है उसे दूसरी चीटी को, इफ यू वॉन्ट राइस गो एंड गेट इट, यदि तुम्हें चावल का राइस वो चाहिए एक ग्रेन जो है दाना तो तुम जाओ और खुद लेके आओ, मैं नहीं दूंगी। नो वन विल नोटिस योर डर्टी, कोई नहीं देखेगा तुम्हारे जूते गंदे हैं, किसको दिख रहे हैं। एंड यू डोंट सपोज दैट आई एम गोइंग टू कैरी राइस फॉर ऑल आवर किंड्रेड, क्या क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए लेके आऊँ वहाँ से चावल, यानी वो चीटी उसको ऐसा रिप्लाई देती है। देन द किंग लाफ्ड, तब राजा बहुत हंसता है क्योंकि वो उनकी भाषा समझ जाता है। द क्वीन लुक्ड एट हरसेल्फ अप एंड डाउन, अब रानी उसकी तरफ देखती रहती है ऊपर नीचे कि ये क्यों हंस रहे हैं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। बट शी कुड नॉट सी और फील एनी थिंग, लेकिन वो कुछ ना महसूस कर पाती है ना देख पाती है, वहाँ कोई नहीं था। इन हर अपियरेंस टू मेक द किंग लाफ, राजा हंसते रहते हैं। सो शी शेड, इसलिए वो कहती है उसकी वाइफ रानी, वाट आर यू लाफिंग एट, तुम किस पर हंस रहे हो, तुम किस पर हंस रहे हो। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस पेज टुडे, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।